हेलो गाइस, आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ इस टाइप की वीडियो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। आप लोग तो देख सकते हो गाइस, ये देखो बिफोर और आफ्टर देखो, इसको हम कैसे एडिटिंग करें। और गाइस, ऐसा वीडियो बनाना है बहुत ही इजी है, सिर्फ आप लोग थोड़ी सी समय इस वीडियो पे दोगे तो आप भी ऐसा वीडियो एडिटिंग करना सीख जाओगे। बहुत ही इजी है, ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसा ट्रिक्स हम बताएंगे कि आप लोग भी ऐसा वीडियो चुटकियों में बना सकते हो, ओके। सो गाइस, ये वीडियो हम एडिटिंग करें कैपकट टाइप से, ओके। तो इंट्रो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, ओके गाइस। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल डाटा को ओपन कर लेना है, और डाटा को ओपन करने के बाद आपको एक फ्री VPN डाउनलोड कर लेना है, कोई सा भी VPN। और VPN डाउनलोड कर लेने के बाद उसको ओपन करना है, एंड गाइस ओपन कर लेने के बाद इसको कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपने VPN को कनेक्ट कर लिए हैं, और VPN कनेक्ट कर लेने के बाद आपको अपने कैपकट को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो गाइस, जैसे ही आप लोग कैपकट ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और आपको जो भी वीडियो को एडिटिंग करनी है वो वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसमें इम्पोर्ट कर लेना है, तो ये वीडियो को हम सेलेक्ट करके इसको ऐड कर लेते हैं, ओके। तो वीडियो ऐड कर लेने के बाद सबसे लास्ट में आना है, और लास्ट में आ जाने के बाद ये जो कैपकट ऐप का लोगो है इसको डिलीट कर लेना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो कैपकट का लोगो है डिलीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप क्या करना है, अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करके इसके साउंड को पूरा माइनस कर लेना है, ठीक है ना। एंड गाइस, माइनस कर लेने बाद अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमको वीडियो का ऑडियो चाहिए, ठीक है। जो ऑडियो में हमको एडिटिंग करनी है वो ऑडियो चाहिए, तो ऑडियो के लिए आपको क्या करना है, ऑडियो वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर एक एक्सट्रेट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, तो एक्सट्रेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। और गाइस, जो भी रील्स आपको बनानी है तो वो आप लोग रील्स को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेने बाद फिर आपको क्या करना है, वही रील्स को सेलेक्ट कर लेना है, और एक्सट्रेट एड ऑडियो पे क्लिक करना है, तो उसमें का ऑडियो जो है निकल कर आ जाएगी। तो गाइस, यहाँ तक हमारी ऑडियो है, तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाला ऑडियो है, तो ऑडियो के ऊपर क्लिक करके स्प्लिट करेंगे और इसको डिलीट कर लेंगे, ओके। देन गाइस, डिलीट हो जाने के बाद अब क्या करना है, हमको ऑडियो के ऊपर बीट लगाना है। तो बीट कैसे लगाएंगे, ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है आपको, और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको बीट वाला, तो बीट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ऑटो जनरेट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ऑटो जनरेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हमारी बीट है ऑडियो में लग जाएगी, ठीक है, थोड़ा वेट करो। तो गाइस, यहाँ पर जो ऑडियो में बीट है ऑटोमेटिक लग गई है, जहाँ जहाँ यहाँ पर लगा बीट है वहाँ वहाँ पर लगा दिए, तो हमको सिर्फ 4-5 बीट चाहिए, जहाँ पर बम को ऐसे गिरना है, जहाँ पर वो एडिटिंग करना है, तो ये बाकी जो पहली वाली बीट है इसको सुन लेते हैं, सुनकर इसको डिलीट कर लेते हैं। ये वाला बीट को डिलीट करेंगे, फिर ये वाला बीट को डिलीट करेंगे, एंड फिर ये वाला बीट को डिलीट करेंगे, और ये लास्ट के दो बीट को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा सब मिलाकर 5 बीट लग गया है, ठीक है। तो बीट लग जाने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, ओके। देन गाइस, राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पर जहाँ पर इससे पहले इसको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है, ऐसे जूम कर लेना है इतना। तो जहाँ पर बीट लगा है ना, बीट लगा है वहाँ पर आपको वीडियो के लेयर को लाना है, और देन अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है वीडियो के लेयर पे, और आपको यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है, ठीक है, और फिर आपको एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लेना है ऐसे, और आपको फिर क्या करना है, बीच में आना है दोनों की फ्रेम के, और आपको वीडियो को कुछ इस टाइप से आगे या पीछे कर लेना है, ठीक है, ऐसे जूम करके इसको कुछ इस टाइप से ऐसे कर लेना है। देन गाइस, ये वाला की फ्रेम को माइनस करके फिर प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर अभी आप लोग वीडियो देखना, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसे हुआ, एंड फिर दूसरा की फ्रेम पे आना है आपको बीट पे, एंड गाइस यहाँ पर फिर एक की फ्रेम आपको ऐड कर लेना है, और फिर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेना है, और बीच में आना है आपको, बीच में आ जाने के बाद आपको इस बार कुछ इस टाइप से ऐसे जूम आउट करना है, और इसको कुछ इस टाइप से वीडियो को ऐसे नीचे रख लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे कर लेना है, ठीक है। और ये वाला जो बीट है इसको पहले माइनस करेंगे, प्ले करके दिखा रहे हैं देखो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से इधर जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है, फिर अगले नंबर बीट पे जाएंगे,
और इस पर भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करेंगे और बीच में आकर इसको क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर गया, एक बार यहाँ पर, अब इसको ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे। एंड इसको तो यहाँ पर हमारा जो की फ्रेम है ऐड हो गया है। ऐड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो वाले लेयर के ऊपर क्लिक करना है एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है आपको, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक डुप्लीकेट वाला ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा, तो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको ओवरले कर लेना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आपको ढूंढना है ओवरले कहाँ है, यहाँ पर ओवरले है, तो ये ओवरले के ऊपर क्लिक करना है आपको और इस लेयर को पकड़ कर आपको पूरा शुरू वाले पॉइंट पे ला देना है, ठीक है, ऐसे पूरा स्टार्टिंग पॉइंट में। और ला देने के बाद आपको फिर क्या करना है, इस वाला नीचे वाला वीडियो को लेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है। तो लेयर के ऊपर क्लिक कर लेने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है आपको। सो गाइस, यहाँ से वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना, एक भी स्टेप वाइज मिस कर लोगे तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे हैं, तो अच्छी से वीडियो देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिमूव बीजी वाला एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो रिमूव बीजी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर बीच में कस्टम रिमूवल वाला एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो कस्टम रिमूवल वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जूम करना है और अपने बाइक को इरेज कर लेना है, ठीक है। ये ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है आपको और ब्रश के साइज को कम ही रखना है और ऐसे ऐसे अपने बाइक के ऊपर ऐसे ऐसे चला देना है, ठीक है। सिर्फ बाइक के ऊपर ही आपको चलाना है, बाइक को हमको रिमूव करना है बैकग्राउंड को, तो ऐसे ऐसे हम चला लेते हैं सभी बाइक के ऊपर, ओके। तो गाइस यहाँ पर हम अपने पूरे बाइक को सिलेक्ट कर लिए, देन गाइस सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गाइस आप लोग राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो बाइक का जो बैकग्राउंड है रिमूव हो चुका है। एंड गाइज रिमूव हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पर गाइज अब क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेना है, ठीक है, वो बम वाला जो गिरता है ऐसे ऐसे, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो ग्रीन स्क्रीन का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ओके। तो अब क्या करेंगे, ऐड ओवरले वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ग्रीन स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर लेंगे। देन गाइज ऐड कर लेने के बाद इसके ग्रीन स्क्रीन जो है इसको हमको रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैकग्राउंड रिमूव बैकग्राउंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, फिर आपको क्रोमा क्री वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको इसके पकड़ के ऐसे ग्रीन कलर के ऊपर लाकर छोड़ देना है, ठीक है। और इंटेंसिटी को आपको बढ़ा लेना है कुछ इस टाइप से और शेडो को भी आपको बढ़ा लेना है थोड़ा और इंटेंसिटी को थोड़ा और बढ़ा लेना है ताकि ग्रीन कलर पूरा अच्छी तरह से रिमूव हो जाए इतना, ठीक है। इतना करने के बाद अभी भी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर है हमारे वीडियो में, ठीक है। तो इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं और शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब क्या करेंगे गाइस, बैक आ जाएंगे यहाँ से और बैक आ जाने के बाद ये जो बम का जो स्पीड है गिरने का इसको बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, स्पीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको 2 पे लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। एंड फिर राइट क्लिक करेंगे। देन गाइस अभी भी बम जो ये गिर रहा है अभी भी ग्रीन स्क्रीन थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन गाइज फिर आपको एच एस एल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है और ग्रीन वाला ऑप्शन पे आकर इसके सेचुरेशन को माइनस कर लेना है और ये ऑरेंज कलर पर आकर इसके सेचुरेशन को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड फिर बैक आ जाना है। एंड बैक आ जाने के बाद ग्राफिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कुछ स्टेप से ऐसे नीचे ले जाना है और इसको कुछ स्टेप से ऐसे ऊपर। एंड देन गाइज इसको भी कुछ स्टेप से इतना कर लेना है। फिर रेड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको बीच वाला से पकड़ कर इसको ऊपर ले जाना है ऐसे और इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे। देन गाइज आपको बैक आ जाना है और राइट क्लिक कर लेना है। तो अभी आप लोग एक बार वीडियो को प्ले करके दिखा दे रहे हैं, रिमूव हो चुका है ये देखो, ठीक है, सही हो गया है ना। तब इसको हम अपने हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला बम हमको कहाँ गिराना है, पहले इसको ऐसे जूम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, और इस टाइप से ऐसे नीचे की तरफ कर लेते हैं इसको ऐसे, एंड गाइज यहाँ पर हमारा जो बम है यहाँ पर गिर रहा है, तो इसको हमको क्या करना है, बाइक के भीतर गिराना है, ठीक है, बाइक के अंदर।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, लेयर वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और लेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आपको बैक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये जो बम है बाइक के पीछे चली जाएगी, ठीक है, शैडो को पीछे चली जाएगी, और फिर राइट क्लिक कर लेना है। और यहाँ पर आप लोग देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बम है गिर गया है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं, इतना बीट के हिसाब से बम को भी हमको गिराना है। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो पहला बम है गिर गया है, अब इसको क्या करेंगे, इसी को डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है, ये ग्रीन स्क्रीन को डुप्लीकेट करेंगे। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर डुप्लीकेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है। और डुप्लीकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद इस बार इसको क्या करना है, ये लेयर इसको ये बम को कुछ इस टाइप से इधर पे गिराना है, ठीक है, इधर के साइड, पीछे के साइड इधर पे, तो इसको कुछ इस टाइप से ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे नीचे कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर ये देखो प्ले करके दिखा रहे हैं पहला बम, ठीक है। अब फिर इसको डुप्लीकेट करेंगे, एंड गाइज इस बार इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पर ऐसे गिराएंगे, ठीक है, इसको हम फ्लिप करके रोलेट कर लेते हैं, ओके। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर क्लिक करना है और इसको रोलेट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और कुछ इस टाइप से इस बार यहाँ से इसको बम को गिराएंगे, ठीक है, इधर से। तो यहाँ पर एक बार प्ले करके आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर यह भी बम गिर गया। अब फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ पर हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, ओके। देन गाइज यहाँ पर सभी लेयर को ऊपर हम पूरा सेलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या करना है, यहाँ से बैक आ जाना है। अब क्या करना है, इसमें इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। इफेक्ट ऐड करने के लिए इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बॉडी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपको फिर नाइट क्लब में जाना है और वाइब्रेशन फ्लैश वाला इफेक्ट को ऐड कर लेना, ठीक है। जहाँ जहाँ बम गिर रहा है वहाँ वहाँ इसको ऐड कर लेना है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, पहला बम कहाँ गिर रहा है, तो यहाँ पर सही है, इसको ऐसे करेंगे और इतना पे इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इसी का फिर से डुप्लीकेट करेंगे और इसको पकड़ के इसको आगे ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा बम गिर रहा है तो यहाँ पर ऐसे झटका मार रहा है, ठीक है, फिर इसका डुप्लीकेट करेंगे, तो यहाँ पर हम ऐड कर चुके हैं, आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखा दे रहे हैं। तो हमारा जो वीडियो है बनकर तैयार हो गया है, अब इसको गैलरी में एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कोड रेट को आपको हाई कर लेना है, फ्रेम रेट को 60 कर लेना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, तो आपकी जो वीडियो है गैलरी में। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करो और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर से शेयर करो, क्योंकि वो भी अपना वीडियो बना पाए, ओके। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार, तुम्हारा भाई बहुत ही मेहनत करता है यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आप लोगों ने अभी तक हमको इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी।